ये जो जातिगत जनगणना कराई गई है, सबसे पहले हम अपने नजरों में देखें तो ये पूरे तरह से फर्जी है। पहले से ही कहा गया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। सबसे इससे यदि जातीय जनगणना जहाँ तक कराए हैं तो उसमें जो सबसे शेड्यूल कास्ट SC ST के जो लोग आते हैं, दलित ही नहीं महादलित लोग, जो मुसहर ढांगर डोम दुसाध चमाड़ मतलब भुइयां, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के जाति है, इन लोगों का तो कहीं से कोई आंकड़ा ही नहीं दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गरीब वंचित शोषित ऐसे लोगों को उजागर कर करके जाति जनगणना में जनगणना होने से उजागर हुआ कि इतने लोग अभी शोषित है वंचित है जिनका अभी तक गिनती तक नहीं हुआ था जिसको अब गिनती में लाया गया है। जातीय जनगणना बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल है क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। जातीय जनगणना जितने खर्च अरबों रुपया जो बिहार सरकार पे किए हैं, बिहार सरकार जितना खर्च की वो अगर शिक्षा पे करती तो बिहार हमारा विकसित बिहार होता। इन लोगों का बस है कि समाज में किसी तरह टूट फूट हो और किसी तरह मेरा रोजी रोटी चलता रहे। क्या कि लोग शुरू से जात का ही राजनीति किए हैं और ये जातीय जनगणना करा करके आंकड़ा गलत दे करके। और हमारे एक साथी ने अभी कहा कि इस पे बेवजह का खर्च किया गया है, तो क्या बेवजह का खर्च 8,500 करोड़ के प्लेन पे चढ़ रहे मोदी जी ने नहीं किया है? क्या 15 लाख के सूट पे मोदी मोदी लिखवाने वाले ने नहीं किया है? तो अगर वो खर्च है तो इस खर्च को भी करना जरूरी है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन पे अगर खर्च किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सेंसस को सही तरीके से लागू करके और ईमानदारी से इस चीज को लागू कराया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है, ऐसे में कुल संख्या की 63% से अधिक आबादी OBC और EBC को मिलाकर है। ऐसे में सरकार के द्वारा जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात कही जा रही है। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विभिन्न राष्ट्रीय दलों के छात्र नेता जुड़े हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस पे उसके क्या विचार है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट लुक की तरफ से। तो पहले आप अपनी परिचय के साथ इस बयान का जवाब दें। मेरा नाम हुआ संकेत मिश्रा, छात्र हम के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और विश्वविद्यालय से यहाँ से जुड़ा हूँ। तो जो ऐसा कि सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और उसके बाद से सरकार ने कहा है कि हर जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होगी, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये जो जातिगत जनगणना कराई गई है, सबसे पहले हम अपने नज़रों में देखें तो ये पूरे तरह से फर्जी है। इसको मतलब फ्लॉप कहा जा सकता है, गरीब जनतों के पैसे की बर्बादी कहा जा सकता है कि उन्होंने अरबों अरब मतलब इस पे जो खर्च किए टीचर के द्वारा या जिन लोगों के द्वारा भी जनगणना कराएं, क्या उन टीचर को पैसे नहीं मिलते हैं? आंगनवाड़ी सेविका से यदि करवाए, जिन अपने जो भी सरकारी कर्मचारी से करवाए, उन सभी लोगों को पूर्व से उनका वेतन निर्धारण है। फिर इन पैसे का 250 करोड़ 500 करोड़ ये क्या बजट है? ये सब लूट है और बिहार को विकास में न ले जाकर के विनाश के रास्ते पे धक्का देने का जो काम किया जाता है कि जाति धर्म वैमनस्यता फैला करके उनको कराना था तो वो आर्थिक जनगणना कराते कि किस जाति में किस धर्म में कौन से लोग में कौन गरीब है कौन अमीर है किसको मदद की जरूरत है। तो ये इन्होंने जातीय जनगणना कराया जिससे कि यह मेरा बल्ले बल्ले हो सके और आपसी वैमनस्यता बढ़ सके। सपोज करने की बात है कि सबसे इससे यदि जातीय जनगणना जहाँ तक कराए हैं तो उसमें जो सबसे शेड्यूल कास्ट SC ST के जो लोग आते हैं, दलित ही नहीं महादलित लोग, जो मुसहर ढांगर डोम दुसाध चमाड़ मतलब भुइयां, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के जाति है, इन लोगों का तो कहीं से कोई आंकड़ा ही नहीं दिया गया। जाकर के देखिए गांव का गांव बसा हुआ है, लोग जो रहने के लिए घर नहीं है, कोई बागमती नदी के बांध पर है तो उसी पे, कोई गंडक नदी के बांध पर है तो उसी पे सैकड़ों घर बनाए हुए हैं। उन लोगों की जनगणना जाकर के करे, जनगणना किस तरह से हुई है मैं बता रहा हूँ। गए किसी मोहल्ले में बैठे, एक जगह बैठे, जो मानजन वहाँ के कुछ बता दिए वो लेकर चल दिए। मेरे घर पर भी जनगणना करने नहीं गए हैं, यदि कोई उनके पास साक्ष्य है तो बताए, मेरे घर पे नहीं गए हैं तो और दूसरे के यहाँ क्या गए होंगे? आपके हिसाब से ये गणना किस मतलब अगर घर घर जाके नहीं हुए तो किस हिसाब से? ये बिल्कुल फर्जी है, ये बैठ करके ऑफिस में, ये कहीं कार्यालय में बैठ करके, और सरकार के द्वारा एक मोनोपोली है जो अपने मतलब बिहार में आपसी वैमनस्यता जातिवाद उन्माद फैलाने की ये कोशिश है। जो हम आज मैं ब्राह्मण हूँ,
मैं आज 3% हूँ, जो जिसको मैंने जमीन दिया, जिसको हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया कि हाँ तुम यहाँ बसो, तुम यहाँ रहो, तुम अच्छे करो, तुम अच्छे खाओ, वो भी आज 3% है, और हमारे पूर्वज भी दिए तो आज हम भी 3% है। क्या ये सही है? कहीं से कोई भी इसका कोई भी तकनीकी तरफ से ये पॉसिबल ही नहीं कि ये सही है। जो हमारे जमीन में बसा वो आज 3% पड़ा गया, मैं आज 3% पे हूँ, कहीं से सही नहीं है। तो आपके हिसाब से ये जातिगत गणना की जो रिपोर्ट आई है वो फर्जी है? बिल्कुल 100% फर्जी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो पहले अब हमारे साथ आप बताइए। गौरव त्रिवेदी, छात्र नेता एबीपी बिहार विश्वविद्यालय। तो जातिगत गणना को आप किस रूप में देखते हैं? जातिगत गणना बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। जातिगत गणना जितने खर्च अरबों रुपया जो बिहार सरकार पे किए हैं, बिहार सरकार जितना खर्च की वो अगर शिक्षा पे करती तो बिहार हमारा विकसित बिहार होता। जो रहे आप बताइए इस पर आप क्या सोचते हैं? जातिगत गोल्डन सिन्हा मोर प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, छात्र लोजपा से। तो जातिगत गणना को आप किस रूप में देखते? जातीय जनगणना जो है अभी जो वर्तमान में जो हमारे बिहार के सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों का बस है कि समाज में किसी तरह टूट फूट हो और किसी तरह मेरा रोजी रोटी चलता रहे। क्या है कि लोग शुरू से जात का ही राजनीति किए हैं और ये जातीय जनगणना करा करके आंकड़ा गलत दे करके और ये सारा चीज़ समाज में जो अभी शांति चल रहा है उसको उन्माद में बदल करके 2025 का ये लोग तैयारी कर रहे हैं जातीय आंकड़ा के हिसाब से। ये सरासर मेरे तरफ से फर्जी आंकड़ा है और ये सब जो है केवल वोट का राजनीति के लिए किया जा रहा है। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, समाज में जो है सुपैथी फैलेगा, दूसरा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए। आप किस तरह से आप देखते हैं जातिगत गणना पे, उस पर अपनी राय बताइए। मेरा नाम महिपाल ओझा है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो जाति जनगणना की रिपोर्ट आई तो पहले से ही कहा गया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तो आधी अधूरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो ये लड़ाई 1936 से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आज़ादी के वक्त से ही जो लड़ाई लड़ना चाह रही थी कि जो धरती है, जो जंगल है, जो जमीन है, उस पे जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उसको बिठाना है, उनको देना है, तो ये कैसे होगा? तो ये तब होगा जब हम लोग सही रिपोर्ट पेश करेंगे। आखिर कोई तो लोग हैं ना, जो 2100 समथिंग लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, क्या उनका हिस्सा नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या उन पे उनकी हिस्सेदारी इस देश में नहीं है? बिल्कुल है। अगर ऐसे लोग जो 0.6 भी हैं तो 0.6 वाले का भी उतना ही बनता है जितना 14% वाले लोगों का है। तो ये जो दम्भ लेकर के कुछ लोग घूमने लगे या जो सरकारें अभी जिस तरीके से पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया गया है, पूरी तरह से देश को तोड़ा जाएगा। 2011 में भी सेंसस और एक सेंसस आज़ादी के पहले जो किया गया, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि इसको अच्छे तरीके से लागू भी नहीं किया जाता। और मेरा जो संगठन है, हम लोग का स्पष्ट है कि भाई किसी भी चीज़ का बंटवारा इस देश में दोबारा नहीं हो सकता है। जो भी लोग शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और हमारे एक साथी ने अभी कहा कि इस पे बेवजह का खर्च किया गया है, तो क्या बेवजह का खर्च 8,500 करोड़ के प्लेन पे चढ़ रहे मोदी जी ने नहीं किया है? क्या 15 लाख के सूट पे मोदी लिखवाने वाले ने नहीं किया है? तो अगर वो खर्च है तो इस खर्च को भी करना जरूरी है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन पे अगर खर्च किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सेंसस को सही तरीके से लागू करके और ईमानदारी से इस चीज को लागू कराया जाए। और अगर इस देश में ईमानदारी से आरक्षण बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन ईमानदारी से आरक्षण बढ़ना चाहिए। जो आरक्षण 70 सालों से चला आ रहा है, आप देखेंगे कि आरक्षित वर्ग में भी कुछ जातियों का ही दबदबा है, सारी जातियों का उसका फायदा नहीं मिल पाया। अगर आप ओबीसी जातियों की बात करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो 2-3 जातियों ने उस पर भी कब्जा करके रखा है। मेरा कहना है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं बनता है? तो सबको लेकर के और शुरू से ही वामपंथी पार्टियों ने जमात की राजनीति की और जात की राजनीति हम लोगों ने नहीं की है और हम लोग चाहते भी नहीं। तो आपने कहा कि जाति, वे जो छोटी छोटी जातियां, उनको भी उतना महत्व मिलना चाहिए, तो ये तो फिर जाति में जाति बांटने वाली बात हो गई। बिल्कुल, तो जाति में जाति बांटने वाली काम तो बिहार सरकार के जो मुखिया हैं
इन्होंने किया, ओबीसी में ईबीसी, ईबीसी में एमबीसी, पता नहीं कौन कौन सा सी लगा दिया। तो मेरा यही स्पष्ट है कि भाई जमात की राजनीति कीजिए, गरीब किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, किसी भी समाज में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। तो हम लोगों को सबकी बात करनी है, ना कि एक जाति विशेष की बात करनी है, किसी व्यक्ति विशेष की बात करनी है। तो जब इस देश में लोग अपने मत का अधिकार, जो उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया, उसका इस्तेमाल सही तरीके से दिमाग से जात पात धर्म और अदर तरीके की वैमनस्यता को निकालते हुए अगर अपने वोट को सही तरीके से डालेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है वो जात पात और संप्रदाय मुक्त हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता हुआ, विश्वविद्यालय छात्र जेडीयू के। तो आप जातिगत गणना को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छा हुआ। और हम लोग कहते हैं कि हम फलना कास्ट है, फलना जात है, तो सर अपना गर्व सिंह बोलेगा ना, अपना जब परसेंटेज दिखा रहा है और उसमें हर चीज दिखाया जा रहा है, कहाँ पैसा बर्बाद किया? अब मोदी जी 3,80,000 रुपये रोज मेकअप खर्चा करते हैं, वो बर्बाद नहीं करते हैं क्या? 17 लाख के ड्रेस बर्बाद करते हैं, 35 रोज तो किसे पैसे बर्बाद कर रहे हैं? और उससे लगभग 70 करोड़ का फ्लाइट भी चढ़ते हैं, किसे पैसे बर्बाद कर रहे हैं? तो आपके हिसाब से जो जातिगत गणना पे जो पैसे खर्च किए गए वो मुनासिब है? हम लोग गर्व से कहते हैं हम फलना कास्ट है, ये बोलने के ब्राह्मण है, ये बोलने बड़ा अछूत है, पंडित जी जो भी है, गर्व से बोलते हैं, उसके पास अपना डटा होना चाहिए ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम परवेज मुशर्रफ हुआ, प्रदेश महासचिव हुए छात्र राजद के। और आप इस जातिगत गणना को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार के और देश के जनता को और बिहार के मुख्यमंत्री को और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गरीब वंचित शोषित ऐसे लोगों को उजागर कर करके जाति जनगणना में जनगणना होने से उजागर हुआ कि इतने लोग अभी शोषित है, वंचित है, जिनका अभी तक गिनती तक नहीं हुआ था, जिसको अब गिनती में लाया गया है ताकि उसको हक और अधिकार मिल सके। हक अधिकार के लिए सब अपने अपने जाति के लिए लड़ता है, सब अपने अपने जाति के लिए लड़ता है, लेकिन गरीब का कोई जाति नहीं होता। तो आज सभी जाति में गरीबी है, तो आज सभी जाति का जनगणना हुआ, सब बाहर उजागर हुआ है, तो आज जो है सब हक और अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसीलिए जाति जनगणना हुआ। जब विपक्ष में हमारे नेता थे तब ये जाति जनगणना के लिए लड़ाई लड़ा था, बहुत कम समय में इतना सरकार आते, और जाति जनगणना जब केंद्र सरकार नहीं करवाई, तो केंद्र सरकार जात का राजनीति नहीं करती है, वो डायरेक्ट हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है, जिसके कारण ये जाति जनगणना नहीं करवाया, जो फैक्ट है। और इसी फैक्ट के कारण जब वहां से नहीं किया तो बिहार सरकार ने बोला कि जो भी खर्च होगा हम सहेंगे, लेकिन हम जाति जनगणना करवाएंगे। और हमारा सरकार आते, हमारे नेता सबसे पहले जाति जनगणना बहुत कम समय में करवा लिए, और इससे उजागर हो गया कि 2025 चुनाव भी बहुत नजदीक, इससे ये उजागर हो गया कि हमारे गरीब शोषित वंचित जो रोड पर रहते हैं वो वैसे लोग भी कहाँ है, कहाँ दबे हुए हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, आज उनको भी हक अधिकार मिलेगा, तो उसके जात का अगर उस विधानसभा में रहेगा, लोकसभा में रहेगा, तो उसके लिए आवाज उठा के उसको हक और अधिकार दिलाएगा। इसलिए जाति जनगणना हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात किया विभिन्न दलों के छात्र नेताओं से, जिनमें उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा कि वो किस तरह से इस बिहार की जातिगत गणना को देखते हैं। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, तो कुछ ने इसका पूर्ण समर्थन भी किया है। आज की रिपोर्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।